मुंबई और उपनगरों में टॉप 10 डॉक्टरों की सूची में मुंबई के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर जयाजीनाथ नाम शामिल किया गया है। और इस वक्त स्वयं डॉक्टर जयाजीनाथ हमारे साथ, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली क्या खास इन्होंने किया जिसके वजह से मुंबई के टॉप डॉक्टरों में उनका नाम शुमार हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कितनी खुशी हो रही है आपको? नहीं, अच्छी बात है, खुशी तो होती है काम करने के बाद। या पेशेंट जो हमेशा अपना फीडबैक डालते होंगे नहीं इंटरनेट पे, या उन्होंने कुछ इंटरव्यू लिया होगा सीआरडी स्टाइल, उनके पत्रकार पूछते होंगे इंडिया टुडे के, तो हर 2 साल में एक बार इस तरह से पब्लिश होता है। काफ़ी टाइम मेरा इंडिया टुडे मैगजीन में ये नाम आ गया, इस टाइम भी आया तो मेरे गुरु लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, डॉक्टर साहब कंग्रेचुलेशंस। बोला क्यों भाई? तो बोले ऐसे सबका नाम आ गया। फिर मैंने पेपर मंगाया, देखा न्यूज़ मैगजीन, अच्छा लगता है किसी को भी तारीफ करना। आप पत्रकार है आप जानते हैं, लेकिन आज लास्ट 42 ईयर से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जागतिक विश्वकोश जो बना सेक्सोलॉजी का, उसका मैं इंडियन विभाग का ऑथर हूँ। और ये काम करते समय आज हमारे जो काउंसिल ऑफ सेक्स एजुकेशन पेरेंटहुड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 25 साल में खजिंदा रहा, ट्रेजर रहा। और अभी हाल में 6 तारीख को दिल्ली में हमारा इलेक्शन हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे ज़बरदस्ती फार्म भराया गया और महासचिव के लिए नियुक्त किया गया, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट हो गया, रादर इट वॉज इलेक्शन, एंड अच्छी वोट से मैंने इलेक्शन जीता। ये खुशी की बात है, जो काम बोलता है बोलते वैसे काम बोलता है। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरह से टॉप डॉक्टरों में अपना नाम शामिल होता हुआ देखना, क्या खास पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जानकारी है आपको किस तरह से ये नॉमिनेशंस होते हैं? नहीं, कभी मुझे मालूम नहीं, कभी उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या हम लोग जैसे हम डॉक्टर लोग में बात करते किसके पास पेशेंट भेजो, अरे यार वो उसमें अच्छा है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में ये नंबर 1 है, ये बढ़िया डॉक्टर है, ऐसा जैसा माउथ टू माउथ होता है उस तरह से वो लोग सर्वे करते होंगे एक, नहीं तो गूगल नेट पे जाके या सर्वे उनकी जो टीम रहती है उसके अंदर से फीडबैक कौन डॉक्टर का अच्छा है तो वो लेते होंगे ऐसा इस तरह से। क्योंकि मेरे जो गुरु लोग भी हैं उनका भी मेरे साथ नाम है उसके अंदर, तो प्रकाश कोठारी है, राज बम्बट है, हम लोग सब साथ ही है, तो अच्छा लगता है गुरु लोगों के साथ। डॉक्टर साहब जिस सेक्शन के लिए आप काम करते हैं सेक्सोलॉजी जो है, ये आज भी एक इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है, इसको लेकर बहुत सारी जागरूकता अभी भी नहीं है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है इसमें बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है? मैं 1990 से 16 दिसंबर 1990 में मैंने कॉन्फ्रेंस लिया ओबेरा शेल्टन में, तभी मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर पद्मना भैया करके थे, के पद्मना भैया मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर, और वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी डॉक्टर एसडी कर्णिक, वो दोनों को चीफ गेस्ट करके बुलाया था। और लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन आज इंडिया में रोज देख रहे हैं आप, पेपर खोलो तो मर्डर हो गया, एक तरफी प्रेम हो रहा है उसका मर्डर हो गया, एसिड फेंका, बलात्कार हो गया, कोई डॉक्टर ने बलात्कार किया तो कोई टीचर ने बलात्कार किया, तो आम आदमी बलात्कार कर ही रहा है। तो मतलब इसके अंदर कहने वाले ये है कि सेक्स क्राइम्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ब्रोकन मैरिजेस, डिवोर्स केसेस, और ये जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मुझे लड़का ही चाहिए लड़की नहीं चाहिए, तो ये क्यों चाहिए, ये सब ये जो कुछ हो रहा है ये सब लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन हो रहा है। तो अगर ये सेक्स एजुकेशन मतलब क्या सेक्स करने का सिखाता नहीं, ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एक दूसरे के अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शादी होती है 5 मिनट के लिए हस्बैंड वाइफ है ड्यूरिंग रिलेशनशिप, अदरवाइज गुड फ्रेंड है एक दूसरे के, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एक दूसरे के भाई बहन जैसा रहते हैं। समझो आप 20,000 किलोमीटर अमेरिका में दोनों मियाँ भी रहते हैं, तो उसको बांध कौन लगाएगा, कमर या पाव मोच आए तो कौन मलम लगा देगा, मसाज करेगा, तो एक दूसरे को ही करना है, उधर तो कोई नौकर चाकर या डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये रिलेशनशिप जो है माँ भाई बहन हस्बैंड हस्बैंड वाइफ ब्रदर गुड फ्रेंड लाइक ब्रदर लाइक दूसरे मदर फादर, ये जो रिलेशनशिप होता है, और स्टॉप पुट टू टैप नॉट टू हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप बढ़ने से अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, झगड़ा होना ही है, डिवोर्स होना ही है, लेकिन जीवन में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के अंदर रिस्पेक्ट, एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट, और एक दूसरे के अंदर नॉलेज अबाउट ईच अदर,
क्या मेरा हस्बैंड कमाता है, क्या करती है मेरी बीवी, क्या करती है, मैं क्या करना चाहिए, उसकी क्या डिमांड है, मैंने क्या पूरा करना चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, औरत ने ध्यान रखना चाहिए, माहौल में घर में क्या चाहिए, ये दोनों का जैसे दो पहिए की चाक बोल के हम लोग छोड़ दें मियाँ बीवी, बट उतना ही नहीं, उनको आजकल के ये 21वीं सदी में इंडिया जा रहा है, साथ में डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, उनको लेकिन इसका नॉलेज नहीं मिल रहा है। इजीली पोर्नोग्राफी मिल रही है, ब्लू फिल्म व्हाट्सअप पे मिल रही है, उनको लगता है यही साइज़ है, पेनिस साइज का होने दो, या सेक्सुअल टाइम कितना लंबा चलना चाहिए उसके बारे में होने दो, या जो भी सेक्स मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है वो इतने मिसकंसेप्शंस है इंडिया में कि उसको प्रॉपरली समझा ही नहीं जाए साइंटिफिक पर्सन से, तो नहीं समझते। इसलिए जब भी मैं 1990 में कॉन्फ्रेंस किया, जिक्र किया आपको, तभी मैंने बोला था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स कॉलेज के अंदर लैंगिक शिक्षा देना ज़रूरी है। इसको लैंगिक शिक्षा अगर कैंसिल करना है तो करिए, लेकिन इसको हेल्थ साइंस करके नाम दीजिए, और हेल्थ एजुकेशन जैसा पीटी का टीचर रहता है, आर्ट का टीचर रहता है, संगीत का टीचर रहता है, क्यों नहीं हेल्थ का टीचर हो? तो डॉक्टर को ऑनरेरियम दे के वो आके कॉलेज में सिखाएगा, एक घंटे का पीरियड लेगा, तो जूनियर कॉलेज से लेके उसका एज क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए, छठवीं के बाद है, छठी और 11-12 साल का बच्चा होता है तो उसको काफ़ी सारी इरेक्शन, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन आना, या बच्ची 12-13 साल की होगी उसको EMC आना, तो उसको हाइजीन कैसा कराना, पार्ट प्राइवेट पार्ट्स किस तरह साफ सफाई रखना, ये भी बहुत बड़ी हाइजीन की समस्या इंडिया में। तो ये बात हमने शासकीय तौर पर, हेल्थ मिनिस्टर थे जब 90s में, मैंने जाके दिल्ली मिला उनको, एक उधर ग्रेटर कैलाश नोएडा की एक लेडी डॉक्टर थी, उनको साथ में लेके हमने उनके बंगले में जाके बताया, सर ये हेल्थ एजुकेशन के अंदर आप ढाल दीजिए, यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दीजिए, मेडिकल कॉलेज में ये नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को डॉक्टर बना दीजिए सेक्सोलॉजिस्ट, वो इंडिया में कुछ हो नहीं रहा है, ये सब जो बातें हो रही है वो प्रॉपरली करने के लिए इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वो भी नहीं हो पाया। बाद में जब यहाँ महाराष्ट्र में पुष्पाता हिरे मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर थी, उनके पीछे हमने पढ़े कि म्यूनसिपल कमिश्नर के पीछे पढ़े कि आप इसको मैंडेटरी करो। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सरकारों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, आपको लगता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की इम्पोर्टेंट भूमिका है कि इनको अगर समझता नहीं, क्योंकि सभी डॉक्टर्स नहीं, सभी पढ़े लिखे नहीं, सभी पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ा लिखा ये टिपिकल सब्जेक्ट में नहीं है, तो अगर इनको पढ़ाना है तो ये दोनों हाउस, दोनों सदन को, राज्यसभा लोकसभा और विधान परिषद और विधानसभा, दोनों आमदार और खासदार लोगों को एक साथ बैठा दीजिए, और जो ज्येष्ठ आपको जिसको बुलाने का उसको बुला लीजिए हाउस में, और एक कॉमन सदन में डॉक्टरों की पेशी किया जाए कि ये सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए। तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, जब ये सरकार आती थी बोले गलत करता है, ये सरकार आती थी गलत करता है, और दोनों सरकार भी कुछ नहीं कर रही, और उसके चलते इंडिया में रोज आज क्राइम हो रहा है, फिर उसको अलग अलग डर रहा है, तो आज सेक्सुअल क्राइम्स हो, डिवोर्स केसेस हो, आज शादी के बाद या शादी के पहले डॉक्टर के पास मैरिज काउंसलिंग के लिए भेजना जरूरी है। इसलिए मैंने तभी सभी मौलवी हो, चर्च के पास्टर पादरी हो, धर्मगुरु हो, शंकराचार्य जी को हो, सभी धर्मगुरु को मैंने पत्र लिखी थी तभी 1994 में कि आप ये कंपलसरी कर दीजिए, शादी किसी का भी बच्चा करना है, कुंडली देखना देखो, ब्लड ग्रुप देखना देखो, लेकिन इनको प्री मैरिटल काउंसलिंग शादी के पहले इनको लैंगिक शिक्षण देने के लिए डॉक्टर के पास भेज दीजिए, उनके पास ओके करके देंगे, इनको 2 घंटे का लेक्चर दिया गया या 2 दिन का उनका शंका कुशंका टेस्टिंग विस्टिंग करके ओके करके बाद में शादी करने को उनको भेज दीजिए। जब तक ये करेंगे नहीं तो ये सब क्राइम नहीं रुकेगा, ये डिवोर्स केसेस नहीं रुकेंगे, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं रुकेंगी। तो लगता है सर, डॉक्टर साहब जो नए दौर का एजुकेशन है कहीं ना कहीं उसमें कमियाँ, इतनी खामियाँ हैं जिसके वजह से जो यंग जनरेशन है उस तरह से चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, क्या वजह आपको लगता है? Easily access to unwanted knowledge, उसका रुकाव करना मुश्किल हो रहा है इंडिया में। इंडिया नहीं करना, जैसा स्वच्छता में फॉरन देखता हूँ, इंडिया में तो हम भी करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं लेकिन वो कैटेगरी का स्वच्छता नहीं ला रहे। करने की कोशिश तो मोदी जी ने भी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी काफ़ी किया, और बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो गया, बहुत सारी सिटी में कॉम्पिटिशन के माध्यम से करवा के ये करना पड़ता, यही था कि स्वच्छता बढ़े, क्लीननेस बढ़े, वो भी फॉरन घूमते। तो उसी तरह अपने इंडिया में जो करना है वो साइंटिफिक परकुलेट करना जरूरी है, और नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाता है।
मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है आजकल, आप अधिकांश युवाओं को देखोगे अपने हिसाब से जीना चाहते, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हमने बच्चे की प्लानिंग नहीं की और इसके बावजूद भी सेक्सुअल रिलेशंस रहते हैं बहुत सारे लोगों। मैं सवाल पूछा था कि खामियाजा इसका क्या होगा, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है जिस तरह से आज यंग बच्चे जी रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं शादी भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस इसी तरह से सेक्सुअल जो उनकी डिजायर है वो पूरी होती रहे, यारी दोस्ती में और चलता रहे। खामियाजा तो यही है, कुछ दिन के बाद क्या होता है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है कि 35 साल हो गया, 40 एज हो गया, शादी नहीं हो गया, अभी मेरे को शादी करना है, तो 40 साल को औरत नहीं मिलती, तो बोले डिवोर्सी के साथ करो भाई या कोई विडो के साथ करो, ऐसा हमको बोलना पड़ता है। ये बाद में इनको फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, लेकिन इसलिए काउंसलिंग स्कूल लेवल से लेके क्यों शादी करना चाहिए, कौन सा एज में करना चाहिए, बच्चे कौन से एज में चाहिए, जब भी तुम 55-60 साल के हो गए तुम बच्चों का एजुकेशन पूरा करके छुट्टा हो सकोगे। रातों रात किसी का घर नहीं बनता है, रातों रात किसी के पास गाड़ी नहीं आती, रातों रात किसी का बहुत बड़े पगार की नौकरी नहीं मिलती। आज पगार की इतनी नौकरी है, 5 साल के बाद इतना नौकरी बनेगा, तो बच्चे का नसीब से, बच्चे का बीबी के नसीब से वो आएगा। कोई शादी नहीं करता, मैं सेटल नहीं करके मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसके अंदर टाइम था। तो ये जो है उसमें बीमारी, संभ्रमावस्था, ये समस्या अवस्था ये बढ़ते जा रही, और बढ़ते जाते तो उसके क्वैकरी लोग है, क्वैक्स, वो लूटपाट करते। तो इसके पीछे एक ही है कि नॉलेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कोई भी, जैसा ड्राइविंग लाइसेंस के सिवा ड्राइविंग चलाएंगे तो कटेंगे, तो ठोक देगा गाड़ी किसी को जाके, उसी तरह नॉलेज जो शादी करने का या अंडरस्टैंडिंग से बिहेव करने का समाज में, उसका नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तो बिहेवियर प्रॉपरली कर सके इंसान। क्या सुझाव देना चाहेंगे, अब नई सरकार आ गई है, आपको उम्मीद लग रही है कि नई सरकार की पॉलिसी, नई सरकार अभी आई, इसको लेकर प्रमोट करना चाहिए? करना चाहिए, मैं मौका मांग रहा हूँ, देखिए जरा क्या सुझाव क्या देना चाहेंगे। प्राथमिक तौर पर क्या ऐसे 5 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो सरकार को तत्काल करने चाहिए? ये सेक्स एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एक एडवॉक कमेटी तैयार किया जाए या इसको पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए, जो डीन ले उसके अंदर, साइकोलॉजी के डॉक्टर ले, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स ले, और उसके 10-25 डॉक्टर की टीम बना के इसका टाइम बाउंड प्रोजेक्ट करके ये होना चाहिए। और दोनों पार्टी, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो विरोध करने वाला है उनके जो क्या दिमाग में, इंडिविजुअल काउंसलिंग करके उनको पहला समझे कि क्यों होनी चाहिए ये बताना चाहिए, और ये बताने के बाद सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है। क्योंकि हाउस में जब भी विषय आता है, ये नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नंगे पंगे पिक्चर है, ये नहीं होना चाहिए, कोई ये पार्टी वो, ऐसा नहीं, दोनों को ये क्या है क्या नहीं, सबको सब कुछ चाहिए और सबको जाहिर कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपरली समझाने के बाद हमारी सरकार अभी आई है, करेंगे, मौका मिलना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो हो जाएगा शायद। ऐसा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही गंभीर सवालों का जवाब दिया। जैसे कि सुन रहे थे डॉक्टर जया जिनाद, जो मुंबई सबर्बन में टॉप 10 डॉक्टरों में जिनका नाम शुमार किया गया है, और हमने उनसे जानने की कोशिश की एक्चुअली सेक्सुअल एजुकेशन जरूरी क्यों है। जैसे आपने सुझाव दिया है कि अब सेक्सुअल एजुकेशन को हेल्थ साइंस के तौर पर सभी विद्यालयों में पढ़ाए जाने की जरूरत है, उससे पहले जो कानून के निर्माता है, जैसे विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा में जो लोग प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले उनकी भ्रांतियां दूर करने की जरूरत है, तभी जाकर सेक्स एजुकेशन को कानून का रूप दिया जा सकेगा और तभी उससे समाज का फायदा भी हो सकेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।